हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपके सामने फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ। आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और उस वीडियो से कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ों को सीखा होगा। आज हम उसी वीडियो को लेते हुए कुछ आगे की चीज़ें सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि किसी समीकरण को हल कैसे किया जाता है तथा उस समीकरण को हल करके उसमें दिए गए वेरिएबल का मान कैसे निकाला जाता है। तो कुछ समीकरण लिखते हैं यहाँ पे, 4x^4 माइनस 45x² प्लस 81=0। मान लीजिए हमने एक समीकरण लिखा और इस समीकरण का गुणनखंड करके हमको इसमें दिए गए वेरिएबल का मान निकाला। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जो भी हो समीकरण में दिया होता है उसको मान निकालना। तो देखेंगे कैसे क्या तरीका गुणनखंड विधि से हल करके निकालने का। अब चूंकि हम लोग अब तक सॉल्व किए हैं x² प्लस x+1=0 कितना लगाने में आसान था। यहाँ पर पहले पावर x^4 दे दिया है तो हम कोशिश करेंगे कि इस पावर 4 को स्क्वायर के रूप में लिखें। उसके लिए हम मानते हैं, माना x²=y। हमने क्या मान लिया, माना x²=y। अब देखिए हमने कहा था भाई x^4 हटाना है, ठीक है x^4 हटाते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये वाला, तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर बराबर y², यानी ये हो जाएगा x^4=y². मीन्स हमारे समीकरण में जहां x^4 दिया है वहां पर हम लिखेंगे x², और जहां पर x² दिया है वहां पर लिखेंगे y। तो वैल्यू रखते हैं समीकरण में अपने, ये हो जाएगा 4x^4 की जगह हो जाएगा y² माइनस 45x² की जगह हो जाएगा y प्लस 81=0। अब मेरा यह समीकरण काफी सिंपल लगने लगा। ऐसा आप जो मन करो मान सकते हैं, हमारा मन किया वाई मानने का, आपका मन का ए बी सी जो चाहे वो मान सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसको लगाने का तरीका हमें पता है कि 4 का मल्टीप्लाई 81 में होता है। 4 का मल्टीप्लाई 81 में करेंगे, वो भी क्या दोनों प्लस है तो इसमें माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 8 × 4 = 24, 244 का हमको ऐसा फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 244 आए। और सॉरी 4 × 4 = 4 ये 32 होगा, 4 × 4 = 4 8 × 4 = 32, ठीक। तो हमें 3 × 4 का ऐसा फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करने पर 3 × 4 आ जाए, आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आ जाए। तो इसको करने का तरीका, अब भाई डायरेक्ट तो फैक्टर याद नहीं होगा, या तो टेबल आपको याद हो या तो एलसीएम निकालिए। तो हम एलसीएम वाला प्रोसेस लगाते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटाते हैं तो 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12 और 2 × 2 = 4, देन फिर 2 से 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 81 आ गया, 81 3 से जाएगा, 3 × 27 = 81, 3 × 9 = 33 एंड 3 = 1 दिस। एंड मीन्स 3 × 24 का मैं निकालूं फैक्टर तो ये मिलेगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये चीजें 1 2 3 4 1 2 3 3 4 3। अब हमको इनका ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर 324 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आ जाए, -45। तो कुछ तो यहाँ करना पड़ेगा, ऐसा क्या करें, देखिए पेयर बनाते हैं 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 12, ठीक है।
3 3 9 9 3 27 ये चीज 12 और 27। मेरे पास दो ऐसे फैक्टर आ गए, अब देखते हैं इसको वेरीफाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये तो आएगा, मल्टीप्लाई करने पर मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 और 27 में तो ये आपका आएगा, जाहिर सी बात है ये 324 आएगा। लेकिन देख लें कि क्या ऐड करने पर 45 आ रहा है, चलो ऐड कर लेते हैं। तो 12 और 27 देखते हैं कि सेवन टू नाइन और 2 1 3 39 नहीं आया, 45 आपका नहीं आया। तो फिर ऐसा क्या करें कि मेरा पेयर सही हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ करते हैं, और कोई पेयर खोजते हैं, पेयर खोज जाओ, ऐसे आपको सर्च करना पड़ेगा। यदि आप फ्रेशर हो या फिर क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, खोजना पड़ेगा आपको क्या करें ऐसा। फिर देखते हैं और कुछ देखते हैं, तो 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 हो गया, और यहाँ 3 3 9 36 और 9 जो दूसरा पेयर मेरे पास ही आया 36 और 9, यदि इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 324 आएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या ऐड करने पर 45 आ रहा है, तो 9 6 5 15 carry 1 और 3 1 4 यानी 45 आ गया। अब 45 क्या लिखे, प्रॉब्लम ये है कि हमें -45 चाहिए, क्या करें ऐसे कि आपको -45 हो जाए। तो देखें यदि मैं किसी तरीके से यहाँ भी माइनस कर दूँ और यहाँ भी माइनस कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन आपको लग जाएगा माइनस का, मीन्स -45 मीन्स हमारे पास जो पेयर बचेगा वो -36 का हो जाएगा और -9 का। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो -45 मिल जाएगा। इसको लिखते हैं, सॉल्व करेंगे तरीका 4y² माइनस, दो तरीका आपके पास है, -36 + 9 कर लीजिए, y + 81 = 0 या फिर इसको हटाइए जैसा आपको इच्छा करे, 4y² -36y - 9y + 81 = 0 दोनों सेम एक ही चीज है, उसको जब सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी ये वाली वैल्यू आएगी। देख लीजिए 4y² - 36 + 9y + 81 = 0 4y² - 36y - 9y + 81 = 0 ये चीज वही वैल्यू आई। तो आपकी समझ के ऊपर है आप किस तरह लगाते हैं इसमें। तो आगे देखते हैं, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब हम इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन करें जो दोनों में हो, ऐसा क्या चीज लें। देख रहे हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉमन करने का मतलब होता है उसी चीज से अंदर डिवाइड। तो यहाँ जिस चीज को मैं कॉमन लूंगा इसका मतलब अंदर हम उस चीज से डिवाइड करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे और चीज को काफी गहराई से समझे होंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ भी 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, मीन्स मैं कॉमन लूंगा 4y कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, तो 4 निकल गया वाई निकल गया, 1y बचेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पर 4 निकलेगा यहाँ बोलेगा 9, सिर्फ 9 बचेगा, सिर्फ 9। यहाँ देखिए दोनों में आपका 9 कॉमन है, मैं -9 कॉमन लूंगा, क्यों -9 क्यों, क्योंकि जब मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाना चाहिए और हमको वही चाहिए, यहाँ पर माइनस साइन -9 चाहिए, यहाँ पर प्लस है यानी मुझे -9 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं -9 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर जाएगा आपका वाई, 9 निकल गया, प्लस का हो जाएगा माइनस और 9 से 9 81 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 = 0। इन दोनों में आपका y माइनस 9 कॉमन है, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 4y - 9 = 0। अब यहां से हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से जब y की वैल्यू निकालते हैं तो एक बार हम इसको रोकते हैं इधर y माइनस 9 और इस चीज को भेज देते हैं 0 के साइड में, यानी 0 / 4y - 9
वाई माइनस नाइन स्क्वायर टू, जब जीरो भी किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है जीरो, एंड देन वाई स्क्वायर टू उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस नाइन, ये हो जाएगा आपका नाइन। देखते दिखाई दे रहा है ना, ठीक y स्क्वायर टू नाइन। अब यहां पर y स्क्वायर टू नाइन आ गया। अब देखिए क्या आपका इक्वेशन y के रूप में था क्या? नहीं, आपका इक्वेशन y के रूप में नहीं था, आपका इक्वेशन था x के रूप में, तो आपका आंसर भी x के रूप में ही आना चाहिए। मीन्स यहां से हमको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब y की वैल्यू क्या रखें भाई, वहां पर माने हुए ऊपर y की वैल्यू रखा हुआ है आपका x स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, देन x इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट नाइन, जब बाहर निकलेगा ये तो हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, यानी एक x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस थ्री। दूसरी बार जब आगे लगा लेंगे, अभी हमने क्या किया y माइनस नाइन को रोका हुआ था और 4y माइनस नाइन को उस साइड भेज दिए थे, सेकेंड टाइम क्या करेंगे 4y माइनस नाइन किधर होगी है? देखिए यहीं से पहला स्टेप यहां लगा, दूसरी बार इसको रोक रहा हूं y माइनस नाइन को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा वही चीज 4y इक्वल माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, देन 4y इक्वल टू नाइन, y इक्वल टू नाइन बाई फोर, ठीक। y की वैल्यू रख लेते हैं यहां से, x स्क्वायर इक्वल टू नाइन अपॉन फोर, मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ थ्री अपॉन टू का स्क्वायर, कंपेयर कराएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है। और भी देखते हैं एक मिनट, चीजें जब लगाएंगे ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस थ्री बाई टू। अच्छी देखिए यहां से क्या मिला हमको, एक बार x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस थ्री और एक बार x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस थ्री बाई टू। यदि ये चीज न समझ में आए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दें x स्क्वायर इक्वल टू नाइन बाई फोर, जब स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा रूट में नाइन बाई फोर, जब ये बाहर आ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस थ्री बाई टू, बाहर आएगा प्लस माइनस थ्री बाई टू। अब यहां भी x वैल्यू प्लस माइनस थ्री आया, यहां भी x वैल्यू प्लस माइनस थ्री बाई टू आया, इससे हमको यह पता चलता है कि यदि किसी इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है उसकी वैल्यू उतनी आती है। इसलिए कि इसके मैक्सिमम पावर क्या है, फोर है, मैक्सिमम पावर फोर है, तो मुझे x की वैल्यू फोर मिल गई है। कौन कौन से देखिए, एक बार अब तक लिख सकते हैं, अब जो हमारी x की वैल्यू समीकरण का हल x स्क्वायर टू यहां से मिल जाएगा प्लस थ्री माइनस थ्री, दो वैल्यू हो गई, और यहां से प्लस थ्री बाई टू और इधर माइनस थ्री बाई टू, ये हो गई x वैल्यू कितनी मिल गई चार, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर था वो कितना था फोर। यदि ये मैक्सिमम पावर थ्री रहा होता तो हमको पूरे x की वैल्यू थ्री मिली होती, वन टू थ्री ऐसा करके, ये फोर टाइम में लिखा होता थ्री टाइम लिखा होता। इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें दिए गए वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। अच्छे कभी कभी क्या होता है कि इसी एक्स के मान को कभी शून्यांक बोल दिया जाता है, जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, तो लगाने का तरीका यही है, कभी कभी इसको जीरोज बोल दिया जाता है इक्वेशन लेसन में। तो ये रहा क्वेश्चन, मेरा इक्वेशन क्या था, हमने लिखा था फोर एक्स की पावर फोर माइनस 45 स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू जीरो। इसको लगाने का तरीका क्या था, हमने सबसे देखा कि x की पावर 4 को तो डायरेक्ट हम फैक्टर कर नहीं सकते, उसको मैं स्क्वायर के रूप में लाऊं, स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए हमने लिखा माना x स्क्वायर इक्वल टू y, देन हमने क्या किया दोनों पक्षों का वर्ग किया, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू y, x की पावर 4 इक्वल टू y स्क्वायर। अब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन में रख लिया, इक्वेशन में रखा वैल्यू को तो क्या लिखा 4y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 81 इसको भी जीरो, फिर हमने इसका दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, देखा मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, देखा 324 आ रहा है,
324 का फैक्टर किया हमने, तो बहुत मेहनत किया 324 का फैक्टर करने के लिए, तो हमें दो फैक्टर मिला 36 और 9, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 45 आया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 324 आया और ऐड करने पर 45 आया। ब्रैकेट ओपन किया, 36 का भी साइन चेंज हो गया और 9 का भी साइन चेंज हो गया, वाई का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया 81। यहाँ से हमने 4y निकाला, यहाँ से 4y निकल गया तो बच जाएगा y, माइनस 4y निकल गया तो बच जाएगा आपका 9, सेम माइनस 9 हमें काम हो गया, अंदर बच गया y माइनस 9 काम हो लिया, अंदर आ गया 4y माइनस 9। एक बार हमने 4y माइनस 9 को y माइनस 9 को रोक लिया, 4y माइनस 9 को उधर भेज दिया, ये क्या मिलेगा 0/4y-9। हम जानते हैं किसी भी नंबर से जीरो में डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है 0, मीन्स y की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब यहाँ पर हमने देखा कि x स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, हमने क्या किया x² = 9, सो x² √9, x² ±3। दूसरी बार 4y-9 को रोका, y-9 को उस साइड भेज दिया 0/y-9 डिवाइड किया 0 हो गया, 4y = 9, y = 9/4, इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, y की वैल्यू रख लिया x² = √9/4, स्क्वायर आ रहा रूट हो गया, रूट से बाहर निकला x² + -3/2। देखा हमने दो वैल्यू यहाँ से, दो वैल्यू यहाँ से, चार वैल्यू यहाँ पे आ गई। यह मेरा रहा इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पाएंगे, अभी फिलहाल हम तो बुक सॉल्व करवा नहीं रहे हैं, बस छोटा मोटा टॉपिक लेके शुरू कर देते हैं। अगला कुछ टाइप के इक्वेशन देख लेते हैं, कैसे कैसे और भी इक्वेशन होते हैं। अब तो काफी सिलेबस छोटा हो गया पास टेंथ का, नाइन्थ का, पहले बुक में ऐसा कुछ हुआ करता था। देख लेते हैं कुछ और इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं अलग टाइप के। लिख लेते हैं क्वेश्चन, 4x + 1 कर दिया, ठीक है, इस माइनस x + 2 = 1, यह इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हल करने का तरीका क्या है देखेंगे, देखते हैं क्या तरीका हल करने का। चलिए आगे आते हैं, इसको लगाते हैं, वो थोड़ा बाउंड्री देख रहे थे, बाउंड्री क्या अकेले हैं कोई है नहीं, तो ये चीजें बाउंड्री नीचे चल देते, मुझे लगता है पर्रो क्वेश्चन के भी एक्स की वैल्यू नीचे चली गई होगी, चलिए देखा जाएगा उसको, चली गई होगी।